नमस्कार दोस्तों, हिंदी बर्ड चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, अगर आपके गांव कस्बे में फसल चलकर राख हुई है तो अब आप भी ऑनलाइन उसके मुआवजा लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने व्यवस्था कर दी है और इसके लिए ऑनलाइन सेवा शुरू कर दी है। तो अगर आपकी फसल भी कभी जलकर राख होती है तो उसके लिए आप सरकार से मुआवजा ले सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए आपको कैसे आवेदन करना होता है, क्या क्या दस्तावेज लगते हैं, वो पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो अगर आप भी यह जानना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक का देखते रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि अभी हाल ही में जितनी भी फसलें आ रही हैं उनमें कहीं ना कहीं आग लग रही है और किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। तो दोस्तों, उसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करने के लिए आपको आना है इस ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से सभी व्यक्ति घर बैठे आवेदन कर सकते हैं, उन्हें कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। तो आप अपने आवेदन अपने मोबाइल से और कंप्यूटर से दोनों से कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आते हैं, अब आपको यहाँ पे सिटीजन लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि आप एक आम आदमी है और यहां से आम आदमी ही आवेदन कर सकता है। जैसे ही आप यहां पे आएंगे तो अगर आप पहले से पंजीकृत हैं तो अपना आईडी पासवर्ड डालिए और सुरक्षा कोड डालिए और लॉगिन करिए। और अगर आप पहले से पंजीकृत नहीं है तो सबसे पहले यहां पे नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण के ऊपर क्लिक करिए। यहां पे आप क्लिक करेंगे, यहां पे अपनी एक लॉगिन आईडी बनाएंगे और यहां पे चेक करके देख लेंगे कि क्या वो पहले से किसी और ने तो नहीं बना रखी है। उसके बाद अपना नाम, जन्म तिथि, अपना जेंडर, अपना पता, पिन कोड, जिला, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और ये कैप्चा कोड डाल के सुरक्षित करने पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक आईडी और पासवर्ड बन जाएगा। फिर आप उस आईडी और पासवर्ड की मदद से यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये आसान सा प्रोसेस है यहाँ पे अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बनाने का। सो यहाँ पे अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बना लीजिए। उसके बाद चलिए, हमने पहले से बना रखा है तो हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं। और जब आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आपके सामने आएगा। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे पहले से आवेदन कर रखे हैं। देखिए, हमने यहाँ पे जो है यहाँ पे निस्तारित हमारे 4 आवेदन हो गए, लंबित आवेदन यहाँ पे 10 है। तो हमने यहाँ पे काफी आवेदन कर रखे हैं, जो जरूरत होती है तो हम अपना यहाँ से आवेदन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो फसल हमारी जल जाती है उसके लिए आवेदन। तो आपको उसका आवेदन करने के लिए यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना है। और जब आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा मुख्यमंत्री खेत खलियान अग्निकांड दुर्घटना सहायता योजना। आपको इसका प्रयोग करना है क्योंकि यहीं से आप आवेदन कर पाएंगे। सो आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड, इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यह आवेदन फॉर्म खुल जाएगा और यहाँ पे आपको कुछ जरूरी जानकारी देनी है। सो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो लिखा है वो है कृषक का विवरण। तो जो भी यहाँ पे किसान है उसका विवरण आपको देना है। तो यहाँ पे किसान का नाम आएगा तो यहाँ पे किसान का नाम डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे किसान के पिता का नाम आएगा तो यहाँ पे किसान के पिता का नाम डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे किसान की जन्मतिथि, यहाँ पे किसान का मोबाइल नंबर। उसके बाद नीचे आ जाइए, उसके बाद यहाँ पे किसान किस जिले के अंतर्गत रहता है तो यहाँ पे जिला ऑटोमेटिक आएगा जहाँ पे आपकी आईडी बनी है। उसके बाद यहाँ पे आपका तहसील, तो जो भी आपका तहसील लगता है आप यहाँ पे अपना तहसील चुनेंगे। उसके बाद आपकी मंडी समिति कौन सी है, तो यहाँ पे आपको अपने नजदीकी मंडी समिति चुननी है। सो यहाँ पे हम मंडी की समिति चुनेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा है उत्तर प्रदेश में निवास की अवधि, यानी कि आप उत्तर प्रदेश में कब से निवास कर रहे हैं, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप जन्म से या कुछ भी लिख सकते हैं, या अधिकतम 3 अंक में आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे अधिकतम कुछ भी डाल दें तो आप यहाँ पे मैक्सिमम 304 इतनी सालों से आप डाल दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पे अधिकतम 3 अंक ही लेता है। उसके बाद आपको नीचे चले आना है और यहाँ पे जहाँ पे आपका अग्निकांड हुआ है, जहाँ पे आपकी फसल जली है, उसका विवरण आपको देना है। सो यहाँ पे आपको बताना है खेत था या आपकी फसल कहीं पे रखी हुई थी, तो कोई खलिहान था तो आपका खेत में लगी है तो खेत पे रखना है। इसमें लिखा है फसल की भूमि का खेत का हेक्टेयर, यानी कि फ्रेंड जो आपका फसल जली है वो कितने हेक्टेयर की जली है, तो यहाँ पे आपको वो बताना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है भूमि का क्षेत्रफल जो अग्निकांड में प्रभावित हुआ है, यानी फ्रेंड्स कितने हेक्टेयर में आग लगी है वो आपको यहाँ पे
बताना है। उसके बाद खलिहान में रखी फसल की कुल अनुमानित मात्रा कुंटल में कितनी थी, यानी कि फ्रेंड जितनी फसल में आपकी आग लगी है उसमें लगभग कितनी कुंटल आपका गेहूं निकल सकता था, वो आपको यहाँ पे मात्रा डालनी है। उसके बाद खलिहान में अग्निकांड में प्रभावित फसल की कुल अनुमानित मात्रा यानी कि वो प्रभावित हुई है वो आपको डालना है, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे आपको डालना है कितनी वहाँ पे फसल निकलती थी और यहाँ पे कितनी फसल लग यहाँ पे नुकसान हुआ है वो आपको यहाँ पे डालना है कि उसकी अनुमानित मात्रा कितनी थी। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कि खलिहान में फसल की अवशेष मात्रा कुंटल में, सो यहाँ पे वो ऑटोमेटिक यहाँ से निकल के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है दुर्घटना का कारण तथा विवरण, यानी कि फ्रेंड दुर्घटना किस कारण से हुई है, कैसे खेत में आग लगी है, सो यहाँ पे आप 100 अक्षरों में यानी 100 शब्दों में यहाँ पे वो बता सकते हैं। उसके बाद दुर्घटना के स्थान का पूर्ण विवरण यहाँ पे आप 100 शब्दों में बता सकते हैं, यानी 100 अक्षर में बता सकते हैं। अब देखिए कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको अपलोड करने होंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे कृषक की फोटो आएगी, तो यहाँ पे जो किसान होगा यहाँ पे उसे अपनी फोटो अपलोड करनी होगी। उसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा है दुर्घटनाग्रस्त स्थान की फोटो, तो जो आपकी फसल जली है जहाँ पे आपकी आग लगी है यहाँ पे आपको उसका फोटो अपलोड करना होगा। इसके बाद फ्रेंड अगला ऑप्शन है प्रतिभूति का प्ररूप, तो ये आपको तहसील में मिलेगा, वहां से आपको बनवाना है और वहां पे सारी जानकारी भरनी है। उसके बाद लेखपाल से उसका सत्यापन कराना है और जब वो आपके पास आएगा तो यहाँ पे फिर आपको अपलोड करना है। तो ये अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे दर्ज करें के ऊपर क्लिक करना है। दर्ज करें के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद आपको एक पेमेंट करना है 10 रुपये का यहाँ पे, और जब आप पेमेंट कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन यहाँ से सत्यापन के लिए चला जाएगा। जब सत्यापन होगा आपका तो आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा, और वेरिफिकेशन जब आपका पूर्ण हो जाएगा तो आपको इसका जो मुआवजा है वो आपको दे दिया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको घर बैठे इस योजना के लिए आवेदन करना है और इसका लाभ उठाना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फ्रेंड मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।